आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं गमाल अब्दुल नसीर की बायोग्राफी जरूर लेके आऊंगा, इससे पहले मैंने अनवर सादत का लेक्चर किया था। अच्छा, गमाल अब्दुल नसीर की बात करें तो 1950 से लेकर 1970 तक, 1970 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, 20 साल तक इन्होंने पूरे इजिप्ट में, इजिप्ट छोड़िए पूरे वेस्ट एशिया में इन्होंने धमाल मचा के रखा हुआ था। ये चाहते थे कि एक ऐसी दुनिया बने जो तीसरा वर्ल्ड हो, अरब वर्ल्ड और कुछ अफ्रीका की नॉर्दर्न कंट्रीज यूनाइट हो जाए और एक तीसरा ऑप्शन हो सबके पास। तो उसके लिए इन्होंने बहुत कोशिश भी की, अरब रिपब्लिक भी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चला नहीं, अभी हम देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे दोस्तों। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको इन सब बायोग्राफीज के थ्रू पता चलती है, तो ये लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो काफी चीजें हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से, मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पे चेकिंग पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। गमाल अब्दुल नसीर की बात करें दोस्तों, तो इजिप्ट के दूसरे राष्ट्रपति थे और अब तक इजिप्ट में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड लीडर हैं गमाल अब्दुल नसीर। आप इजिप्ट की बात छोड़िए, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इनकी रिस्पेक्ट की जाती है। भले ही अनवर सादत नोबेल पीस प्राइज ले गए हों, लेकिन इजिप्ट में जितना ज्यादा नसीर को लोग पूजते हैं, उतना आज तक किसी को भी नहीं पूछा। और आपको पता ही है कि इजिप्ट में भी वन पार्टी रूल था। यहाँ पे वेस्ट एशियन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट की बात करें, वेस्ट एशियन कंट्रीज जिनको बोला जाता है, वेस्ट एशिया जो है वो ज्यादा बेटर टर्मिनोलॉजी है। अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें तो ज्यादातर आपको डिक्टेटरशिप ही देखने को मिलेगी, वन पार्टी रूल देखने को मिलेगा, डेमोक्रेसी बहुत कम देखने को मिलेगी। तो इजिप्ट में भी वन पार्टी रूल था, पहले ब्रिटिश की कॉलोनी थी इजिप्ट, उसके बाद इजिप्ट रिपब्लिक बना और उसके बाद फिर से वन पार्टी रूल आ गया, और अभी भी वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, मिलिट्री ही रूल है, ठीक है? जो सेना है वही शासन कर रही है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है रेड सी, ठीक है? और ये है मेडिटेरेनियन रीजन, जिसको मेडिटेरेनियन सी बोला जाता है। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये देखिए, ये रहा रेड सी, ठीक है? यही वाला रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? ये वाला रीजन जो है वो ये वाला है जो रेड सी है। अब रेड सी और ये रहा मेडिटेरेनियन सी, ये वाला रीजन, ठीक है? तो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से क्या कनेक्ट करता है? गल्फ ऑफ स्वेज, यानी कि स्वेज कैनाल। आप देख सकते हैं ना, अगर अफ्रीका से किसी को यूरोप जाना है, एशिया से किसी को यूरोप जाना है, तो वो स्विस कैनाल से जाता है। पहले यहीं से ही व्यापार होता था, तो स्विस कैनाल, आप छोटा सा पैसेज देख रहे हैं ना, यहां से पूरा आप निकल जाइए यूरोप। तो हो क्या रहा था दोस्तों, इसी को कंट्रोल में लेने के लिए, क्योंकि जो इसको कंट्रोल करेगा उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्रिटिश ने भी कोशिश की, फ्रांस ने भी कोशिश की, और इजिप्ट ने तो भरपूर कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पूरा झगड़ा ही दोस्तों इसी पे ही था। फिर दोस्तों इसराइल से इजिप्ट डायरेक्ट भिड़ा हुआ था, आपको पता ही, इसराइल और फलस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है 1948 से चला आ रहा है, और जब भी ऐसा कुछ वॉर हुआ है तो इजिप्ट सबसे आगे रहा है, लेकिन वहां पे भी फिर हम देखते हैं पीस ट्रीटी साइन हुई। तो काफी कुछ हुआ दोस्तों, स्पेशली इस स्विस कैनाल के चक्कर में तो बहुत ज्यादा हुआ। गमाल अब्दुल नसीर ने तो इसको पूरा प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर दी थी, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब 15 जनवरी 1918 को नसीर का जन्म होता है अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट। अलेक्जेंड्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी है इजिप्ट की, अगर हम बात करते हैं। वैसे इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, अलेक्जेंड्रिया इसकी कैपिटल नहीं है, इजिप्ट की कैपिटल राजधानी है कायरो, आपको इसमें दिख रहा होगा। ये देखिए, ये रहा कायरो, ठीक है ना, नील नदी के बिल्कुल पास, बहुत ही खूबसूरत शहर। ये रहा आसवान डैम, आसवान डैम भैया वहां का एक तरीके से लाइफलाइन है अगर हम इजिप्ट की बात करें, ठीक है? तो अलेक्जेंड्रिया में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था अब्दुल नसीर हुसैन और इनकी माता जी का नाम था फाहिमा नसीर। इनके दो भाई और थे, इनके पिताजी पोस्टल वर्कर थे, बहुत अमीर नहीं थे अब्दुल नसीर। हम ये देखते हैं कि, देखिए आपको पता ही है कि यूरोप ने उपनिवेशवाद शुरू कर दिया था, तो 1882 में इजिप्ट में ब्रिटिश का इंटरवेंशन हो गया था और इजिप्ट को कॉलोनी अपनी बना लिया था। तो यहां पे जो डायनेस्टिक रूल था, सॉरी जो मोनार्की थी, जो राजा यहां पे रूल कर रहे थे, वो एक तरीके से कठपुतली थे ब्रिटिश की। वो ब्रिटिश जो चाहते थे वही यहां के राजा करते थे। लोग बड़े गुस्सा थे, जो मेजोरिटी में जो लोग थे, जो दबे कुचले लोग थे, ठीक है, जो सबसे निचले वर्ग के लोग थे, जो ज्यादा वेल्दी नहीं थे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे इजिप्ट के राजा महाराजा से, साथ ही साथ ब्रिटिश से भी, कि सबसे पहले इनको बाहर निकालो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जब इनका जन्म हुआ, ये जो 1918 का ये जो साल है, इजिप्ट में नेशनलिज्म का उदय हो रहा था, ठीक है ना? इसी समय भारत में भी नेशनलिज्म का, भारत के भी पूरे मूवमेंट चल रहे थे, इजिप्ट में भी नेशनलिज्म का उदय हो रहा था और वर्ल्ड वॉर वन भी चल रहा था इसी दौरान।
और इसी समय नासिर का जन्म होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत अमीर यहाँ के लोग नहीं थे, तो गमाल अब्दुल नसीर भी एक ऐसी फैमिली में जन्मे थे जो बहुत ज्यादा वेल्दी नहीं थी, ठीक है, गरीब नहीं थे लेकिन अमीर भी नहीं थे, मतलब मिडिल लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी इनकी, ठीक है। तो ये कुछ, उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि अपनी मदर से, अपनी माँ से ये बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बहुत अटैच थे। अब क्या होता है कि 1924 में इनको भेज दिया जाता है कायरो, वहां पे ये अपने चाचा जी के साथ रहते हैं, ठीक है। अब अपने चाचा जी के साथ रह रहे थे, कायरो में पढ़ाई कर रहे थे। अब जो बात होती थी, क्योंकि मदर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो बात होती थी गमाल अब्दुल नसीर में और इनकी माता जी में, वो लेटर्स के थ्रू होती थी, चिट्ठियां आदान प्रदान की जाती थी, तो पूरा कोऑर्डिनेशन उसी से होता था। बहुत अच्छा लगता था जब भी मदर का कोई भी लेटर आता था, बहुत खुश होते थे गमाल अब्दुल नसीर। 1926 के दौरान लेटर्स आने बंद हो गए, तो काफी टाइम तक लेटर नहीं आए, तो अब्दुल नसीर को लगा, और उस समय तो बहुत ज्यादा छोटे थे, 10 साल के थे, मतलब 8-10 साल के थे, तो बहुत ज्यादा दुख हुआ नसीर को, और उन्होंने बोला कि लेटर क्यों नहीं आ रहा है। जब पता लगाया कि चिट्ठियां क्यों नहीं आ रही है, मेरी माँ जो है वो चिट्ठी मुझे क्यों नहीं भेज रही है, पता चला कि इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनकी मदर का देहांत हो गया। ये बहुत ही तगड़ा झटका था नसीर के लिए, क्योंकि अपनी माता से ये बहुत ज्यादा प्यार करते थे, अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मम्मी तो स्वर्ग से धार गई, ऊपर से इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। ये जो झटका था, बाद के इंटरव्यूज में इन्होंने बोला है, ये पूरी तरीके से मुझे तोड़ने वाली चीज थी, ठीक है। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया, पूरा टाइम इन्होंने इजिप्ट को समझने में लगा दिया, ठीक है, पढ़ने में लगा दिया। दोस्तों क्या था कि 1923 में कॉन्स्टिट्यूशन की मांग हो रही थी, नए संविधान की मांग हो रही थी, और इजिप्ट में पूरा मूवमेंट चल रहा था, इसमें युवा जो थे वो पूरी तरीके से एक्टिव थे। एक बार तो ऐसा हुआ था दोस्तों कि गमाल अब्दुल नसीर प्रोटेस्ट चल रहा था, छोटे थे, 8-9 साल के, और वो उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। उनको पता नहीं था कि वो प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, बस उनको इतना अंदर, कहते ना कि एक अंतर आत्मा ने बोला कि जाके इसमें शामिल हो जाओ, और वहां पे वो शामिल हो गए, और उसके बाद ब्रिटिश के खिलाफ नारेबाजी की, उनको अरेस्ट भी किया गया, जेल में भी डाला गया। तो भैया इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने राष्ट्रवाद का स्वाद चख लिया था, पता चल गया था कि ये बहुत बड़े लीडर होने वाले हैं। कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों, कायरो से वापस अलेक्जेंड्रिया आ गए। अब ये अपने मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना जी के साथ रहने लगे, साथ में पिताजी भी इनके साथ रहते थे, सब कुछ ठीक चल रहा है। इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई के दौरान भैया ये बहुत प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। जब भी वक्त मिलता था सारे युवाओं को इकट्ठा करके चले जाते थे प्रोटेस्ट करने। एक बार तो दोस्तों 1934 के दौरान एक जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था मानशिया स्क्वायर पे, तो वहां पे क्लैशेस हुई, और उधर से जो सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने फायर ओपन कर दी, और इनको गोली भी लग गई थी, घायल हो गए थे ये, तो इनको हॉस्पिटलाइज भी कराया गया, इस तरीके के थे। अब ये नेशनलिज्म आया कहां से दोस्तों, ठीक है। 1934 के दौरान इन्होंने एक पैरामिलिट्री विंग ज्वाइन किया, ठीक है, जिसको ग्रीन शर्ट्स बोला जाता था, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए इन्होंने ज्वाइन किया था। और ये 1934 के दौरान इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, जहां पे भी लगता था कि मूवमेंट चल रहा है वहीं घुस जाते थे ये। तो ये नेशनलिज्म आया कहां से, ये भावना कहां से आई, ये भावना आई दोस्तों पढ़ाई से। जहां पे इनका घर था अलेक्जेंड्रिया में, ये जहां रहते थे बगल में थी नेशनल लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में चले जाते थे, ठीक है, 1933 के दौरान, ठीक है, ये लाइब्रेरी में चले जाते थे। तो अब हुआ क्या कि जब ये लाइब्रेरी में जाते थे तो वहां पे इन्होंने ढेर सारी बुक्स पढ़ी। वो बुक्स जो थी वो नेपोलियन की बुक थी, बिस्मार्क की बुक थी, गैरी बाल्डी की बुक थी, तो इतने बड़े बड़े लोगों की जब बुक पढ़ी इन्होंने, और इन सबने अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए गजब का काम किया था, तो यहां पे नासिर के मन में नेशनलिज्म जागा, राष्ट्रवाद जागा। साथ ही साथ दोस्तों ये नॉवेल्स भी बहुत पढ़ते थे, लेकिन देशभक्ति की नॉवेल्स होने चाहिए कि जो चेतना जगा दे इंसान की। तो यहां पे इन्होंने बाद में इंटरव्यू में बताया था कि एक राइटर थे इजिप्ट के, ठीक है, तौफीक अल हकीम, उनकी इन्होंने एक नॉवल पढ़ी थी रिटर्न ऑफ स्पिरिट के नाम से, कुछ ऐसा ही नाम था। वो नॉवल इनको इतनी पसंद आई कि जब 1952 में तख्ता पलट होता है, जो पूरा तख्ता पलट था नासिर ने ही किया था, इसके पीछे पूरा दिमाग नासिर का था, ये नॉवल से इंस्पायर हुए थे कि किस तरीके से लोगों की चेतना को जगाना है। तो पढ़ाई का इतना जबरदस्त असर हुआ, देख रहे हैं ना दोस्तों, कोई चीज अगर अच्छी लग गई और अगर आप उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर रहे हैं, तो पूरी जिंदगी क्या, पूरा देश बदल जाता है, ठीक है। तो ये चीज हुई। उसके बाद दोस्तों इन्होंने पढ़ाई पूरी की, फिर
इन्होंने सोचा कि मैं मिलिट्री में चला जाता हूं, ठीक है। तो मिलिट्री में इन्होंने अप्लाई किया, रॉयल मिलिट्री एकेडमी में इन्होंने अप्लाई किया, लेकिन इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। क्यों रिजेक्ट कर दी गई? जब ये एप्लीकेशन लगाते थे और जब नासिर को ये जो जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते थे, वो देखते थे कि यार तुम एडमिशन लोगे मिलिट्री स्कूल में, हमारी सरकार के खिलाफ भर भर के तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो और फिर यहाँ पे मुंह उठा के चले जाते हो, रिजेक्ट, तुम्हारी एप्लीकेशन हम कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन नासिर बार बार अप्लाई करते रहे और फाइनली हम देखते हैं कि इनको मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिला। और 1938 में, 1937 में इनको एडमिशन मिला, एक साल की ट्रेनिंग थी, 1938 में ये ट्रेनिंग करके लौटे, फिर ग्रेजुएट हुए यहां से और सेकेंड लेफ्टिनेंट बने। आर्मी में इनको सेकेंड लेफ्टिनेंट बनाया गया। ट्रेनिंग के दौरान ही इनकी मुलाकात अनवर सादत से हुई। अनवर सादत और गमाल अब्दुल नसीर बाद में बहुत अच्छे दोस्त बने। अनवर सादत को उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और 1970 में जब मौत हुई थी, जब देहांत हुआ था गमाल अब्दुल नसीर का, तब अनवर सादत को राष्ट्रपति बनाया गया। इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, आप जरूर देखिएगा दोस्तों। दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आए हैं और मैंने अमेरिका का इतिहास, रशिया का इतिहास, इजिप्ट का देखिए पूरा कवर कर रहा हूं। तो ये बायोग्राफी के थ्रू होता है, इसलिए बायोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इतनी ज्यादा नॉलेज मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक पूरी जिंदगी कवर हो रही है, 70-80 साल कवर हो रहा है, तो उसमें पूरा देश भी कवर हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए जरूर देखा करिए। फिर हम ये देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान इनको सूडान भेजा गया और वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है 1945 के बाद। जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, अब यह था कि ब्रिटिश को तुरंत भगाओ, अब हमको किसी भी तरीके से आजादी चाहिए, नया संविधान बनाओ, रिपब्लिक बनाओ। उस समय किंग फारूक थे, राजा फारूक रूल करते थे, पीछे ब्रिटिश था, मतलब राजा फारूक ब्रिटिशर्स के पूछे बिना कुछ भी नहीं करते थे। तो एक तरीके से उन्हीं की हाथ की कठपुतली थे। लेकिन अब यह कुछ नहीं चलने वाला है। 1948 के ही दौरान अरब और इसराइल की वॉर हो गई, तो यहां पे इन्वॉल्व हो गए। और यहां पे जब इन्वॉल्व हुए तो बैटल फील्ड, ये पहला बैटल फील्ड का इनका एक्सपीरियंस था, ठीक है ना। और जब ये एक्सपीरियंस हुआ, इनको पता चला कि युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये भी घायल हो गए थे। फिर जब अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, ये सेकेंड फेज था एक तरीके से, इसराइल और अरब का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पैलेस्तीनियों को खदेड़ा जा रहा था इसराइलियों द्वारा, यहूदियों द्वारा, तो जितनी भी अरब कंट्रीज थी इसमें कूद गई, इजिप्ट सबसे आगे था। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये पहला फेज था एक तरीके से इसराइल का। मजे की बात ये है दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि इसराइल इतना छोटा देश है, अगल बगल आप देखें तो सब जगह सिविल वॉर है। इसराइल ने जितने भी अरब से युद्ध लड़े सारे जीते, सारे जीते, हारे एक भी नहीं, जो नहीं जीते वो ड्रॉ हुए, हारा एक भी नहीं, सब जीता। ये कमाल की बात है। इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो यहूदियों को ही जाएगा, बड़े मेहनती लोग होते हैं। लेकिन इस समय जो पैलेस्टीनियों के ऊपर ये जुल्म ढा रहे हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा है, पूरी दुनिया के देश चुप्पी साधे बैठे हैं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से पैलेस्टीनियों को मारा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, कभी कभी मैं टॉपिक से थोड़ा भटक जाता हूं। लेकिन दोस्तों आपको मैं पूरा 360 डिग्री व्यू देता हूं, ठीक है, जहां पे मुझे कुछ भी याद आता रहता है आपको बताता रहता हूं। तो हम यहां पे देखते हैं कि जब ये अरब इजरायली वॉर खत्म होता है तो नासिर वापस आते हैं, रॉयल मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मिलिट्री इनके पास है, अब तक ये लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए। इसी दौरान दोस्तों मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करें तो आपको पता है कि ये जो ग्रुप है ये 1928 से एक्टिव है और ये अरब वर्ल्ड में एक्टिव है, मतलब हर जगह। अरब स्प्रिंग जो 2010 में हुई थी उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड का तो बहुत बड़ा हाथ था। इजिप्ट में हम देखते हैं जो डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई हुई थी उसमें पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड एक्टिव था, ठीक है। सीरिया में भी दोस्तों यही चीज हुई थी। तो मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत ज्यादा एक्टिव था और वो तो यही डिमांड कर रहा था कि नया संविधान लाओ और ब्रिटिशर को हटाओ। लेकिन गमाल अब्दुल नसीर की मुस्लिम ब्रदरहुड से बनती ही नहीं थी। कई बार उन्होंने कोशिश की, देखते हैं साथ में आके, लेकिन आइडियोलॉजी मैच नहीं हुई, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, ठीक है। तो ये चीज थी। एक्चुअली मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उनका रिलीजियस एजेंडा है, ठीक है ना। तो इसलिए गमाल अब्दुल नसीर को लगा कि हम इससे साइड हो जाते हैं, हम ऐसा इजिप्ट तो नहीं बनाना चाहेंगे। तो ये चीज है। आपको बता दूं कि जब 1952 में तख्ता पलट हुआ था तो मुस्लिम ब्रदरहुड ने बोला था कि आप हमको कुछ कैबिनेट मिनिस्ट्री दे दीजिए, हम आपके साथ आ जाएंगे। लेकिन गमाल अब्दुल नसीर ने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया। अब कहानी होती है रेवोल्यूशन की, क्रांति की, अब आनी है क्रांति। नासिर ने ग्रुप बना दिया, एसोसिएशन ऑफ फ्री ऑफिसर्स, यहां पे वो सारे मिलिट्री के लीडर्स थे और
और जो लोग आजादी की मांग कर रहे थे वो सब लोग थे। ये जो फ्री ऑफिसर्स का ग्रुप था इनकी एक कमिटी थी। अब यहां पे नासिर का प्लान देखिए कितना जबरदस्त था, ठीक है, पहले इजिप्ट को आजाद कराओ, जो भी इजिप्ट के लिए लड़ रहा है फर्क नहीं पड़ता वो कम्युनिस्ट है, वो डेमोक्रेटिक है, वो रेडिकल है, कुछ भी हो, जो भी इजिप्ट के लिए बात कर रहा है वो आगे आए। तो कमिटी में दोस्तों बता दूं मुस्लिम ब्रदरहुड के भी मेंबर्स थे, कम्युनिस्ट के भी मेंबर थे, जो राइट विंग है उनके भी मेंबर्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी थी वो इस फ्री ऑफिसर्स ग्रुप का हिस्सा थे। एक बार इजिप्ट आजाद हो गया उसके बाद तो सारे ग्रुप्स को मैं ठोक पीट के बराबर कर दूंगा, ऐसा ही नसिर ने सोचा होगा। 1950 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी हुए, बिल्कुल इलेक्शन भी होते थे भैया, ऐसी बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही ना, वहां पे वाफ पार्टी जो है अल निहास, उन्होंने मतलब वो लोग जीते, लेकिन बहुत ही जल्द क्या हुआ इस पार्टी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगने लगे। फिर उसके बाद इन्होंने अक्टूबर 1951 में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। 11 अक्टूबर 1951 में क्या हुआ था कि वाफ पार्टी ने एक एंग्लो ब्रिटिश ट्रीटी साइन हुई थी, एंग्लो ब्रिटिश ट्रीटी कह रहा हूं, एक इजिप्ट एंग्लो ट्रीटी साइन हुई थी, वो इन्होंने रद्द कर दी। इस ट्रीटी के तहत यह था कि जो कंट्रोल है पूरी तरीके से ब्रिटिश को नहीं जाएगा। किसका कंट्रोल? मैंने आपको मैप दिखाया था, स्विज कैनाल का कंट्रोल। लेकिन इस ट्रीटी को रद्द करके जो कंट्रोल है स्विज कैनाल का वो ब्रिटिशर को दे दिया। यहां पे बात हो रही है आजादी की, इजिप्ट की आजादी की, और पूरा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश के पास अगर आप दे रहे हैं तो ये कहां की आजादी है? नासिर को तो बस यही लूप होल चाहिए था। उन्होंने सोचा कि अब बिल्कुल सही समय है तख्ता पलट करने का, सारे ग्रुप्स को वो लेके आए, मिलिट्री इनके साथ थी ही, और हम यहां पे देखते हैं कि अब जो है जुलाई में 1952 तख्ता पलट हो गया। जब ये इंग्लिश ट्रीटी साइन हुई, जब ये इंग्लिश ट्रीटी को रद्द किया गया, इजिप्ट एंग्लो ट्रीटी, तो बहुत जबरदस्त क्लैशेस हुई, ठीक है। यहां पे हम देखते हैं इजिप्शियन पुलिसमैन और जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, उनमें बहुत ज्यादा झड़पें हुई, बहुत ज्यादा गुस्सा था कि बिल्कुल भी ब्रिटिश को स्विस कैनाल का कंट्रोल देना ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ। तब यहां पे देखते हैं कि गमाल अब्दुल नसीर ने बोला बहुत हो गया, उन्होंने सबको यूनाइट किया और तख्ता पलट कर दिया, जिसको 23 जुलाई रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। 22 जुलाई को यह लॉन्च हुआ और एक दिन के अंदर 23 जुलाई को सक्सीड हो गए। जिसके पास मिलिट्री है उसी के पास ताकत है। अब यहां पे हम देखते हैं कि फ्री ऑफिसर्स जो ग्रुप गमाल अब्दुल नसीर का ही था, उसने सरकारी बिल्डिंग्स, ऑफिस, रेडियो स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हर जगह कंट्रोल ले लिया। बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए, रेडियो पे यह बात बताई गई कि अब तख्ता पलट हो गया है, नई सरकार आ गई है, फटाफट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। अच्छा, यहां पे जो राजा फारूक थे, अमेरिकन्स का बहुत ज्यादा प्रेशर था। देखिए क्या था कि इस तरीके के तख्ता पलट कोई भी नहीं पसंद करता, तो इंटरनेशनल प्रेशर बनता। तो नासिर ने पहले ही अमेरिकन्स और ब्रिटिश को बोल दिया था कि यह चीज होने वाली है, ध्यान रखना। अमेरिकन्स ने यह प्रेशर बनाया कि ठीक है तुम राजा को हटा रहे हो, लेकिन हटाओ तो इज्जत से हटाओ। तो पूरी प्रॉपर सेरेमनी हुई और यहां से राजा फारूक को हटाया गया और सत्ता आई अब्दुल नसीर के पास, नहीं आई। गमाल अब्दुल नसीर ये बोल रहे थे कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूं, मैं अभी छोटा हूं, मेरी पोस्ट छोटी है, तो हो सकता है लोग मुझे एक्सेप्ट ना करें, बेटर है कि आर्मी के जो हेड हैं मोहम्मद नागूब, उनको प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो 1952 में मोहम्मद नागूब जो हैं वो प्रेसिडेंट बनते हैं। वेटरन थे, वॉर में इनका बहुत बड़ा रोल था, जो अरब इसराइल वॉर हुई थी, ठीक है। 18 जून 1953 में मोनार्की को एबॉलिश किया गया, नया संविधान लाया गया, मोहम्मद नागूब को राष्ट्रपति बनाया गया, एक काउंसिल, रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल RCC का गठन कराया गया। नागूब चेयरमैन थे, नासिर वाइस चेयरमैन थे। लेकिन दोस्तों यहां पे एक और चीज हुई, नागूब और नासिर की बनी नहीं ज्यादा दिनों तक। कहते हैं ना कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। नागूब बहुत एम्बिशियस इंसान थे, इनके पास भी मिलिट्री थी, मतलब जो मिलिट्री की ताकत थी, जो प्रेसिडेंट होगा उसके पास मिलिट्री भी रहेगी, नासिर के पास भी मिलिट्री थी, ठीक है। अब यहां पे दिक्कत यह हुई कि नासिर और नागूब में बाद में नहीं बनी। नासिर का वन पार्टी सिस्टम का आइडिया था कि वन पार्टी रहे, नागूब ऐसा नहीं चाहते थे। तो हुआ क्या कि नागूब के अपोज करने के बावजूद वन पार्टी सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया। कोई भी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। यहां से मूड खराब हो गया नागूब का। साथ ही साथ जो लोग
नासिर के खिलाफ, नागूब के खिलाफ बोल रहे थे, रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल आरसीसी के खिलाफ बोल रहे थे। नासिर ने एक एक को पकड़ा, सबको जेल में डाल दिया, बहुत लोगों को तो मरवा दिया। इसी दौरान दोस्तों अक्टूबर में ही, दोस्तों अक्टूबर 1954 में गमाल अब्दुल नासिर को मारने की कोशिश की। 24 अक्टूबर की बात है, ये स्पीच देने गए, स्पीच देने गए अलेक्जेंड्रिया में, स्पीच दे रहे थे, वहां पे गोली चलाई, ठीक है। और वो जो मेंबर था वो मुस्लिम ब्रदरहुड का पाया गया। नासिर को इतनी ज्यादा गुस्सा आई, पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स प्रोटेस्टर्स थे, मुस्लिम ब्रदरहुड के मेंबर्स थे, सबको पकड़ा, जेल में डाल दिया, कितनों को मरवा दिया। जो मुस्लिम ब्रदरहुड के 8 मेंबर्स थे, 8 बहुत बड़े लीडर्स, उनको सजा दे दी, सजाए मौत, सेंटेंस्ड टू डेथ। साथ ही साथ जो कम्युनिस्ट थे उनको भी सजा दी। मौका मिल गया यहां पे नासिर को, जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा था उन सबको हटा दिया। सत्ता जो है ना खाली 2 लोगों के हाथ में आई। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो भी बोल रहे थे नासिर के खिलाफ, उनको भी हटा दिया। प्रेसिडेंट भी कौन थे? मोहम्मद नागूब। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? नासिर। प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मोहम्मद नागूब। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नासिर। तो जो 2 सबसे बड़ी पोजीशंस होती हैं वो इन दोनों के पास आ गई। अब यहां पे सवाल सिर्फ यही था कि नागूब रहेंगे कि नासिर रहेंगे। नागूब ने सारी चीजों को जब देखा कि किस तरीके से अगर ऐसा चलेगा तो फिर तो हम दोनों में बनेगी नहीं, नागूब ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। अब जब रेजिग्नेशन दिया 25 फरवरी 1954 में, नागूब ने, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए थे नासिर से, अपना रेजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति पद से हट गए। नासिर ने उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया और तुरंत ही मोहम्मद नागूब को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ये इंसान भी बड़ा चालाक है, नागूब भी बहुत चालाक थे, लोग बहुत ज्यादा इनको सपोर्ट करते थे और इनका भी जो सपोर्ट फैक्शन था, सपोर्ट ग्रुप था, बहुत बड़ा था। लोग नागूब के फेवर में आ गए, प्रोटेस्ट हुए और यहां पे मिलिट्री क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया नासिर ने, ठीक है। जो भी नागूब को सपोर्ट कर रहा है, मार्च अप्रैल तक, ये 2 महीने तक बहुत प्रोटेस्ट चले कि नागूब को वापस लाओ और नासिर को हटाओ, ये तो पूरी डिक्टेटरशिप हो गई है। लेकिन पूरा ये मिलिट्री क्रैकडाउन चला, बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने करने से मना भी कर दिया, लेकिन जो चंक थी, जो रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल थी, उसकी सत्ता, उसकी कमांड जो थी वो नासिर के हाथ में थी। और फाइनली हम देखते हैं कि अगेन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से 1956 में तैयार हुआ और प्रेसिडेंट बनते हैं 1956 में गमाल अब्दुल नासिर। गमाल अब्दुल नासिर 1956 में राष्ट्रपति बने, ठीक है। ऑफिशियल हो गया ये कि अब जो लीडर है वो नासिर होंगे इजिप्ट के। 1956 से लेकर 1970 तक रहे, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब इनकी फॉरेन पॉलिसी भी कमाल की थी दोस्तों। ये एक तीसरी दुनिया बनाना चाहते थे, थर्ड वर्ल्ड बनाना चाहते थे। अमेरिका और सोवियत के साथ जिसको नहीं जाना है वो हमारे साथ आ जाए, इसी के लिए बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई दोस्तों। बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो कि उस समय इंडोनेशिया में हुई थी दोस्तों, 29 देशों ने पार्ट लिया था। जो 54% देश की पॉपुलेशन थी, ठीक है, जो देश में दुनिया की 54% पॉपुलेशन थी वो इस बांडुंग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे। मतलब पूरी दुनिया की 54% पॉपुलेशन के जो देश थे वो इस बांडुंग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे थे। इसके जो लीडर चुने गए वो नासिर चुने गए। कह तो रहे हैं कि नासिर को पूरी दुनिया एक, मतलब जो अरब वर्ल्ड था वो एक मसीहे के तौर पे देखती थी कि जो हमारा लीडर है ये यही है, इसने इतना बड़ा काम कर दिया है, अब ये बहुत सारी चीजें करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज थी। अब 1956 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वन पार्टी सिस्टम, नेशनल यूनियन जो कि पार्टी थी भैया हम देखते हैं नासिर की ही, वही सत्ता में आई और तब से वही सत्ता में है, ठीक है। वहां पे डेमोक्रेसी अभी तक नहीं आई है। हॉस्नी मुबारक का तो रूल 30 साल तक था, ठीक है। उन्होंने तो 1981 से लेकर 2011 तक इजिप्ट के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, जो चौथे राष्ट्रपति थे, वो तो पांचवें राष्ट्रपति थे, वो तो 30 साल तक रहे, ठीक है ना। नेशनल असेंबली बनाई गई, उसमें 350 मेंबर थे, लेकिन वो सब एक ही पार्टी के थे, नेशनल यूनियन। मुस्लिम ब्रदरहुड, कम्युनिस्ट, इनका कोई भी अता पता था ही नहीं। हालांकि आप ये मत समझिए कि नासिर ने कुछ किया नहीं, नासिर ने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। आपको बता दूं कि यहां पे वुमेन्स को, औरतों को राइट दिए गए, तो ये जो जेंडर बायस्ड, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था ये नासिर ने बिल्कुल हटा दिया, ठीक है। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कोई औरत है कोई मर्द है, इस बेसिस पे बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। और यहां पे औरतों को भी राइट्स दिए गए कि आप भी वोट कर सकते हैं, औरतों को सुरक्षा दी गई,
यहां पे नेशनलाइजेशन हुआ, जो नासिर की सोशलिस्ट पॉलिसी थी उसको नासिरिज्म बोला गया, ठीक है। यहां पे प्राइवेट कंपनीज को बहुत कम ताकत दी गई, जो पूरी ताकत थी वो सरकार के पास थी, समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ गमाल अब्दुल नासिर ने किया और इसी को ही नासिरिज्म बोला गया। अब दोस्तों हम इसकी बात भी कर लेते हैं, दोस्तों इसका मतलब यही था कि नेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके नेशनलाइजेशन कर दो। भैया इन्होंने तो स्विस कैनाल कंपनी का भी, मतलब इसका भी नेशनलाइजेशन कर दिया था, जो आसमान डैम प्रोजेक्ट को फंड कर रही थी। दोस्तों स्विस क्राइसिस क्या है आप बस इतना समझिए, इस पर पूरा एक लेक्चर है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, फिलहाल हम उसमें नहीं जाते हैं, एक घंटे का लेक्चर है दोस्तों स्टडी आईक्यू पे, आप जरूर देख लीजिएगा। स्विस क्राइसिस बस इतना ही था कि स्विस कैनाल पे कंट्रोल चाहता था इजिप्ट, फ्रांस और ब्रिटिश, ठीक है। लेकिन यहां पे दोस्तों जब नासिर ने यह बोला कि अब से स्विस कैनाल कंपनी का भी, मतलब इसका भी नेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि जो स्विस कैनाल का कंट्रोल है वो हमारे हाथ में रहेगा, तो ब्रिटिश और फ्रांस का मूड खराब हो गया कि अगर ऐसा होगा तो भैया हर किसी को इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसराइल ने कर दिया इजिप्ट को इन्वेड, वैसे ही इसराइल और अरब वर्ल्ड में युद्ध चल रहा था, मूड खराब था, साथ में ब्रिटिश और फ्रांस ने भी इसराइल का साथ दिया। लेकिन जब सोवियत और अमेरिका ने प्रेशर बनाया तो इसराइल, ब्रिटिश, फ्रांस तीनों ने अपने ट्रूप्स विड्रॉ कर लिए और स्विस कैनाल को छोड़ दिया। तो यहां पे हम देखते हैं कि ब्रिटिश और फ्रांस की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल गई, बहुत भर भर के घनी बेइज्जती हुई यहां पर ब्रिटिश और फ्रांस की, और इसराइल तो खैर वो तो पीछे हटी गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इजिप्ट की पॉलिटिकल विक्ट्री हुई और नासिर का कद और ज्यादा बढ़ा, ठीक है ना। फिर हम ये देखते हैं जो इनकी आइडियोलॉजी थी वो पूरी सोशलिस्ट थी, ठीक है, सोशलिस्ट नेशनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को ही नासिरिज्म बोला गया। इन्होंने बहुत कुछ किया, इन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेके आए, ये इन्होंने प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा तो नहीं किया, ज्यादातर जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको नेशनलाइज किया गया और वो गमाल अब्दुल नासिर के ही हाथ में रही, वो सरकार के हाथ में ही रही, और ये अच्छा भी हुआ। टोबैको, सीमेंट, फार्मास्यूटिकल, फॉस्फेट इंडस्ट्री, इन सबको जो ब्रिटिश और फ्रांस छोड़ के गए थे इजिप्ट में, सबको नेशनलाइज किया गया। साथ ही साथ टैक्स इंसेंटिव भी यहां पे देखिए, एक्चुअली हुआ क्या था कि नासिर ने इकोनॉमी खोलने की कोशिश की थी, उन्होंने जो बाहर से कंपनीज आएंगी उनके लिए टैक्स इंसेंटिव तो ऑफर किए थे, लेकिन इसका कुछ खास रिजल्ट नहीं आया। वैसे ही बहुत ज्यादा इजिप्ट में अनस्टेबिलिटी थी, तो यहां पे नासिर ने बोला कि इसका तो कोई खास रिजल्ट है नहीं, तो इससे अच्छा सबको नेशनलाइज कर दो, ठीक है। फिर भी प्राइवेटाइजेशन था, ऐसा नहीं है कि सबको सरकारी कर दिया, ठीक है। अनवर सादत जब आए थे तो उन्होंने पूरा नासिरिज्म से बिल्कुल एक उल्टा अप्रोच अपनाया, सरकार जो है वो सब कुछ अपने हाथ में लेने की बात करती थी, लेकिन अनवर सादत ने बोला कि अब नासिरिज्म से हमको ऊपर उठना है और अब इकोनॉमी को तो खोलना पड़ेगा। तो 1970 के बाद जब अनवर सादत प्रेसिडेंट हुए तब उन्होंने जाके इकोनॉमी खोली, क्योंकि उस समय तक गरीबी बहुत ज्यादा थी। गरीबी इसलिए इजिप्ट में बढ़ गई थी क्योंकि वॉर बहुत ज्यादा, लड़ाई बहुत ज्यादा कर ली थी यहाँ पे गमाल अब्दुल नासिर ने, और किससे लड़ाई करी थी, इसराइल से, बार बार इसराइल से लड़ाई करके बहुत सारे रिसोर्सेज जो थे, बहुत सारा पैसा वो ड्रेन होने लगा। तो जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज ड्रेन होने लगेंगे तो लोगों का गुस्सा तो फिर चरम पे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें की, तो इसी को ही नासिरिज्म बोला गया कि नेशनलाइजेशन कर दो, ठीक है, बहुत कुछ किया। फिर हम ये देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने अरब वर्ल्ड भी बनाने की कोशिश की, ठीक है, एक अरब रिपब्लिक बनाने की कोशिश की। बेसिकली इसमें कौन कौन था, इसमें सीरिया और इजिप्ट साथ में आए, ठीक है, इसी को बोला गया यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। 1958 में इसको बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह 3 साल तक चला, सीरिया में यह ज्यादा दिन तक चले ही नहीं, 3 साल में ही यह कोलैप्स हो गया। तो 1958 से लेकर 1961 तक सीरिया और इजिप्ट साथ में आए और उसके बाद सीरिया हट गया। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि अब इसराइल से भी कॉन्फ्लिक्ट हो गई। आपको पता ही है कि जून 1967 में वॉर हो गया, ठीक है, 6 डे वॉर हुआ जिसमें इसराइल ने बुरी तरीके से इजिप्ट को भी हराया, जॉर्डन को भी हराया और सीरिया को भी हराया, तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को हराया, संभलने का मौका नहीं दिया। 6 दिन में, 3 जून को यह वॉर शुरू हुआ और 8 जून आते आते ये वॉर खत्म हो गया और इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला ले लिया था। सिनाई पेनिनसुला की बात करूं दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूं, दिखा देता हूं, काफी पीछे जाना पड़ेगा हमको। ये है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल में ये है सिनाई पेनिनसुला। तो ये पूरा इसराइल ने ले लिया था, ठीक है, इसी 6 डे वॉर में, और ये इजिप्ट का पार्ट था। और ये 1979 में जब पीस ट्रीटी साइन हुई थी तब जाके इसराइल ने ये पेनिनसुला इजिप्ट को वापस दिया था,
ठीक है। एक्चुअली जब ये वॉर हुई थी तो हर किसी से कुछ ना कुछ ले लिया था, सीरिया से गोलन हाइट्स ले लिया था, जॉर्डन का भी कुछ पार्ट ले लिया था, इसराइल ने इतनी ब्रूटल तरीके से यहां पे हराया था, संभलने का मौका ही नहीं दिया था। मेरा सिक्स डे वॉर पे पूरा एक सेपरेट लेक्चर है दोस्तों, आप जरूर देखिएगा, आपको काफी कुछ पता चलेगा, लाखों लाखों लोगों से देख चुके हैं। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि 1969 पे फिर वॉर ऑफ एट्रिशन हो जाता है, ठीक है, यहां पे फिर इसराइल और इजिप्ट में वॉर हो जाती है। तो 1967 से लेकर 1979 तक लगातार वॉर होती रही, फिर उसके बाद 1973 में योम किपर वॉर हो जाएगी। अब वॉर ऑफ एट्रिशन जो हुआ, ठीक है, इसमें यह था कि जो इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला गवा चुका था उसको रिकैप्चर करने के लिए, ठीक है, लेकिन इसमें किसी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। इसराइल कहते हैं इस वॉर ऑफ एट्रिशन में हम जीते, इजिप्ट कहते हैं इस वॉर ऑफ एट्रिशन में हम जीते, ठीक है। तो यह सब कुछ हुआ। उसके बाद दोस्तों 1970 आता है, और 1970 जब आया तो अमेरिका ने बोला बहुत हुआ, ऐसा है इसराइल और इजिप्ट अच्छे बच्चों की तरह तुम दोनों टेबल पे आओ, दोनों सीज फायर एस्टैब्लिश करो। फिर यहां पे सीज फायर एस्टैब्लिश होता है, 27 सितंबर 1970 को समिट होती है, कायरो में बुलाई जाती है, ये अरब लीग समिट थी, और यहीं पे ही सीज फायर इसराइल और इजिप्ट में एस्टैब्लिश हुआ, जो 1969 का जो एट्रिशन वॉर चल रहा था। तो फाइनली सीज फायर हुआ, वॉर कुछ टाइम के लिए थमा, 3 साल के लिए थमा, लेकिन 28 सितंबर 1970 को नसीर को हार्ट अटैक आ गया और इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इनको 2 हार्ट अटैक आ चुके थे, और ऐसा बोला जा रहा था कि इनकी फैमिली बीमारी है, ठीक है, इनकी फैमिली में बहुत लोगों का ऐसे ही हार्ट अटैक आया था और इनकी मृत्यु ऐसे ही हुई थी। 2 हार्ट अटैक इससे पहले और आ चुके थे नासिर को, लेकिन तीसरा हार्ट अटैक आया तो वो बच नहीं पाए। तो 28 सितंबर 1970 को नासिर का देहांत होता है, और उसके बाद अनवर सादत जो समय उपराष्ट्रपति थे उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो ये कहानी थी गमाल अब्दुल नासिर की। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।